जनाब वी हैव विद अस खुद अमर खान हमारे साथ मौजूद हैं, यहाँ जो फिल्म है उसकी राइटर भी हैं, लीड एक्ट्रेस भी हैं। इनसे जानेंगे अमर कैसा एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि फिल्म पहले रिलीज़ होनी थी, उसके बाद कुछ हर्डल्स कोविड की वजह से डिले होते होते अब जब यहाँ पे पहुँची हैं, क्या समझती हैं, क्या एक्सपेक्टेशंस रखें देखने वाले आपसे? हाय, सबसे पहले तो इट्स अ वेरी ओवरवेलमिंग फीलिंग कि आफ्टर ऑल द टू ईयर्स ऑफ कोविड लॉकडाउन और फिर दो साल लिखने में लगे, दो साल बनने में लगे, अब फाइनली ये अपनी पाया ये तकमील तक पहुंच रही है, ऑडियंस के पास जा रही है। वेरी हैप्पी, वेरी इमोशनल एंड आई होप इट्स अ मिक्स ऑफ ऑल द इंग्रेडिएंट्स फ्रॉम रोमांस टू कॉमेडी टू ड्रामा टू एक्शन। इट इज़ अ म्यूजिकल सो इट हैज़ सम लवली सॉन्ग्स, सो आई होप इट टर्न्स आउट वेल एंड वी आर वेरी एक्साइटेड अबाउट इट। हाउ इज़ द एक्सपीरियंस, जो आपने एक्टिंग की इमरान अशरफ के साथ, वो कैसा एक्सपीरियंस था और क्या हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि आप दोनों की केमिस्ट्री कैसी है फिल्म में? ये तो आप देख के बताएंगे कि केमिस्ट्री कैसी है, बट आई डू नो दैट इमरान इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर्स, स्टिपेंडसली टैलेंटेड एंड इट्स हिज डेब्यू फिल्म इज़ वेल। तो हम उम्मीद करते हैं कि हमें छोटी स्क्रीन पर तो आवाम ने हमेशा बहुत प्यार दिया, पर बड़ी स्क्रीन पर भी उसी तरह का वार्म वेलकम। जो राइटर होता है वो अमूमन फिल्म को जब लिखता है उसके बाद जब उसमें एक्टिंग करता है तो कुछ चीज़ें तब्दील भी होती हैं, तो क्या ऐसा हुआ कि जब आप स्क्रिप्ट जो आपने लिखा था वो स्क्रिप्ट में कुछ तब्दीली हुई जब आप उसकी स्क्रीनिंग होने लगी? अच्छा नहीं, प्रोसेस के दौरान यू सिट डाउन विद द डायरेक्टर एंड ऑब्वियसली यू कंडक्ट अ ड्राफ्ट व्हिच ही आल्सो अग्रीज ऑन, तो वो सब चीज़ें तो होती हैं, पर फिल्मिंग के दौरान कोई चेंजिंग नहीं हुई बिकॉज हमारा पेपर वर्क काफ़ी अच्छा था फिल्म के लिए। नहीं, अमूमन क्योंकि आपने खुद भी लिखी है फिल्म, नहीं, तो नहीं ऐसा शूटिंग के दौरान चेंजिंग नहीं। नो 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 नो, वी ऑलरेडी सॉर्टेड इट आउट व्हेन इट वाज देयर। थैंक यू सो मच अमर, थैंक यू सो मच। अमर हमारे साथ मौजूद थी, लीड एक्ट्रेस भी है फिल्म की, खुद ही फिल्म लिखी भी है, तो लोगों की एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा हाई भी हैं और वो खुद भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, क्योंकि वो ड्रामे में इमरान अशरफ के साथ काम दोनों ने ड्रामों में किया है इससे पहले, और अब जब डेब्यू फिल्म में एक बड़े पर्दे पर आएंगी तो लाजमी तौर पर लोग जो हैं उनको एक बड़ी स्क्रीन पर देख सकेंगे।